नागिन 6 को लेकर बहुत बड़ी न्यूज़ बाहर निकल कर आई है। दो बड़ी न्यूज़ से, एक नागिन फैंस के लिए अच्छा न्यूज़ है और दूसरा बुरा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या न्यूज़ निकल कर आया है। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं ऋषभ दत्ता एंड आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट की बात, जहां पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें। सबसे पहले, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तेजस्वी प्रकाश महक से है, सिम्बा नागपाल स्टारर शो नागिन 6 ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है और इस शो बहुत ही धमाल मचा रहे। टीआरपी में भी और कहानी भी ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। और इस शो को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है कि ये शो सितंबर में ऑफ एयर हो जाएगा। पहले कहा जा रहा था कि इस शो को एक्सटेंशन मिल चुका है, पहले तो ये शो अगस्त में ऑफ एयर होने वाला था, अभी इस शो को तो सितंबर में ऑफ एयर करने वाला है। और इस शो को रिप्लेस करेगा झलक दिखला जा का नया सीज़न। झलक दिखला जा जो कलर्स टीवी पर 24 सितंबर से रिलीज स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले नागिन 6 को बंद कर दिया जाएगा। तो ये नागिन 6 के फैंस के लिए एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि उनकी जो पसंदीदा सीरियल है वो ऑफ एयर हो जाएगा। दूसरी जो नागिन 6 को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि नागिन 6 इस बार जो ऑनलाइन टीआरपी में नंबर वन के पोजीशन पर है, अनुपमा को पसारकर नागिन 6 फिर से बन गया है ऑनलाइन टीआरपी में नंबर वन शो, जिसको पॉइंट्स मिला है 42, नंबर सेकंड के पोजीशन पर है अनुपमा। तो नागिन 6 ऑनलाइन में भी बहुत ही अच्छा धमालकर है। लास्ट वीक तो बार की टीआरपी में नंबर 4 के पोजीशन पर आ गया है विथ 2.0 टीआरपी पॉइंट्स। तो देखने वाली बात होगी इस हफ्ते जो कल जो टीआरपी आने वाला है, तो नागिन 6 क्या इस बार भी धमाल करेगी। बहुत सारे सोर्सेज बता रहे हैं इस बार इसका टीआरपी कम हो सकता है 1.9, और बहुत सारे वेबसाइट ऐसा भी बोल रहे हैं कि इस शो का टीआरपी 2.2 तक जा सकता है। तो देखते हैं कल क्या होता है, टीआरपी इंक्रीज होता है या डिक्रीज। आपको क्या है कहना कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात।